सर दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल हैबिट ऑफ मार्केट में। तो दोस्तों, काफ़ी दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पाया दोस्तों, और इसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत क्षमा मांगता हूँ, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों काफ़ी मुझे काम पड़ गया था, काफ़ी मैं बिजी शेड्यूल हो गया था मेरा। लेकिन दोस्तों मैंने ट्रेडिंग फिर भी करी है और एक दो सेशन ही मैंने ज्वाइन कर पाए हैं, तो उसमें भी मैंने दोस्तों लॉस, एटलीस्ट मैंने लॉस नहीं किया दोस्तों, फ्लैट भी निकला हूँ मैं, एक बार प्रॉफिट में निकला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, आज मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ, जो मैं अभी इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बैंक्स के और जो ग्लोबल मार्केट्स में हुआ मचा हुआ है, उसका थोड़ा सा मैं आपको सार बता दूँ आखिर हो क्या रहा है। यहाँ पे दोस्तों मैंने बैंक निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट खोला हुआ है, यहाँ पे ये वाला चार्ट जो बैंक निफ्टी का है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो दोस्तों बैंक निफ्टी जो है पूरा आपको मालूम है, पूरा असर करता है इस पर HDFC बैंक और ICICI बैंक और भी कुछ बैंक हैं और SBI बैंक, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि यदि HDFC बैंक चल गया या फिर ICICI बैंक चल गया तो ही बैंक निफ्टी को ऊपर ले जा सकता है, वरना बैंक निफ्टी साइडवेज होने की संभावना ज़्यादा दिख रही है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ दोस्तों, SBI का जो रिजल्ट आया है ना दोस्तों, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब आया है, ख़राब आया है। SBI ने अपने नंबर्स पेश किए हैं दोस्तों, और उनका जो रिजल्ट आया है SBI का, उसमें जो प्रॉफिट होता है ना दोस्तों, प्रॉफिट 35% डाउन आया है दोस्तों, 35% डाउन आया है SBI का रिजल्ट। इसलिए आप समझ सकते हैं कि बैंक निफ्टी गिर भी सकता है मंडे के सेशन में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इतना ही था बताने के लिए, बाकी कुछ टेक्निकल बता देता हूँ मैं। ये आपको मैंने फंडामेंटली बता दिया, SBI का रिजल्ट खराब आया है यहाँ पे, और HDFC बैंक का ADR, HDFC बैंक का जो ADR है ना दोस्तों, वो अभी भी 3% माइनस में डाउन पर है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें जो है बैंक निफ्टी को डाउनग्रेड कर रही हैं और बैंक निफ्टी को डाउन की तरफ ले जा रही हैं। दूसरी तरफ दोस्तों मैं आपको कुछ टेक्निकल बता दूं यहाँ पे दोस्तों, टेक्निकल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ दोस्तों। बैंक निफ्टी अभी भी अपनी रेंज से बाहर नहीं निकला है दोस्तों, अपनी जो रेंज फॉलो करते जा रहा है ना, यहाँ पे क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी ने 45,950 पे, 45,954 पे यहाँ पे दी है। तो यहाँ से दोस्तों बैंक निफ्टी फिर से अपना आगे की ओर कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है आगे की ओर दोस्तों, या फिर हो सकता है यहाँ पे ब्रेकडाउन भी कर दे दोस्तों। अब दोस्तों ब्रेकडाउन क्यों नहीं, मेरे को ज़्यादा ब्रेकडाउन का नहीं लग रहा है दोस्तों, क्योंकि देखिए एक ये वाली ट्रेंड लाइन आ रही है दोस्तों, और ये ऊपर से आ रही है जो कि इसके ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है, और एक ये वाली ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर भी दोस्तों बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो अभी यहाँ पे ये मौजूदा जो सपोर्ट है ये अच्छा बना हुआ है दोस्तों, और मेरा अंदर से दोस्तों लग भी नहीं रहा है बिल्कुल कि बैंक निफ्टी गिर जाएगा, ठीक है दोस्तों। बैंक निफ्टी को यदि दोस्तों गिरना है ना, तो बैंक निफ्टी यहाँ से थोड़ा मोड़ा ऊपर जाके यहाँ से फिर इस तरीके का बना के फिर गिर सकता है दोस्तों नीचे, ठीक है दोस्तों। यदि इस तरीके का कोई प्राइस एक्शन बनाता है बैंक निफ्टी मंडे के सेशन में, तो आप समझ लेना दोस्तों बैंक निफ्टी में गिरावट आई है। अच्छा दोस्तों, अब गिरावट अगर बैंक निफ्टी में गिरावट आती भी है तो दोस्तों कैसे, कहाँ तक आ सकती है, मैं आपको जो है दोस्तों बता देता हूँ। इस तरीके से ऐसा बैंक निफ्टी चलेगा या फिर इस पॉइंट पर जाए और यहाँ से जो गिरावट आएगी ना दोस्तों, तो यहाँ तो पहले तो दोस्तों 46,200 पे सस्टेंड यहाँ पे करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद भी यदि सस्टेंड नहीं करता है दोस्तों, तो ये वाली रेड कलर की जो लाइन है इस पर मतलब 45,500 के लेवल पे आ सकता है दोस्तों। इससे ज़्यादा गिरने की बैंक निफ्टी की अभी कुछ मैं नहीं कह सकता हूँ, इससे ज़्यादा बैंक निफ्टी को नहीं गिरना चाहिए। अगर SBI में ह्यूज सेलिंग आ गई है तब भी बैंक निफ्टी इस लेवल तक आ सकता है जो कि है 44,250 का, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का मैंने आपको एक एक करके बहुत ही अच्छे तरीके से, जेन्युइन तरीके से आपको एनालिसिस बताया है दोस्तों। उसके पहले दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यदि बैंक निफ्टी 46,200 के ऊपर सस्टेंड करता है, ठीक है दोस्तों, बैंक निफ्टी 46,200 के ऊपर सस्टेंड करता है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये 46,200 है और इसके ऊपर उस दिन मार्केट दोस्तों यहाँ पे देखिए आप गैप अप खुला हुआ था, यहाँ पे सस्टेन किया और बैंक निफ्टी 300-400 पॉइंट ऊपर गया था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मगर यहाँ पे रेजिस्टेंस खा के जो है फिर अपनी गली में लौट आया बैंक निफ्टी, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों निफ्टी में। तो निफ्टी का मैं चार्ट खोल लूँ दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे ओपन कर लिया है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी भी अभी इन दो ट्रेंड लाइन के बीच में, मीन्स इस चैनल में अभी भी निफ्टी सस्टेन कर रहा है, और यहाँ से दोस्तों यहाँ से हल्का सा करके और ऊपर नीचे कर सकता है। आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं मंडे टाइम फ्रेम के लिए। दोस्तों निफ्टी में मैं गिरावट इसीलिए नहीं सोच पा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों
पहली बात तो सबसे बड़ी बात दोस्तों है, अभी जो आज की न्यूज़ जो आई है दोस्तों, मेटा का शेयर है ना दोस्तों, मेटा मीन्स फेसबुक, व्हाट्सएप और इनका शेयर मिला के है दोस्तों। मेटा का अपने यहाँ ट्रेड नहीं होता है दोस्तों, ये ग्लोबल मार्केट में ट्रेड होता है। तो इसके रिजल्ट आए हुए हैं दोस्तों, और रिजल्ट बहुत ही अच्छे आए हुए हैं दोस्तों, काफ़ी प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, और यहाँ पे इसका शेयर जो है 20% भाग गया है। ठीक है दोस्तों, इस न्यूज़ को सुन के 20% शेयर भाग गया है, और मेटा रिलेट करता है दोस्तों डायरेक्ट आईटी से। ठीक है दोस्तों, इसीलिए नैस्डेक इंडेक्स भी बहुत तेज़ी में दोस्तों 2% ऊपर भाग गया है। नैस्डेक इंडेक्स जो है 2% ऊपर भाग गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे निफ्टी में जो है आईटी के शेयर्स का काफ़ी वेटेज है दोस्तों, जैसे कि रिलायंस में भी आईटी सम्मिलित है। तो यहाँ पे दोस्तों निफ्टी में फंडामेंटली आपसे बात करूँ मैं दोस्तों, तो यहाँ पे आईटी स्टॉक काफ़ी तेज़ी में है दोस्तों, TCS, इंफोसिस और रिलायंस वगैरह दोस्तों काफ़ी तेज़ी में रहेंगे। सोमवार को भी मंडे के दिन तेज़ी में रह सकते हैं, थोड़ी मोड़ी वजह ये ग्लोबल मार्केट की भी वजह हो सकती है मेटा की। ठीक है दोस्तों, तो आईटी की वजह से निफ्टी अभी भी ऊपर जा सकता है दोस्तों, ऐसा नहीं है नीचे आ गया है तो ऊपर नहीं जाएगा, जा सकता है। और दोस्तों यदि निफ्टी ऊपर जा रहा है और HDFC बैंक गिर रहा है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी को साइडवेज कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को आप जो है दिमाग में बना के रखें। ठीक है दोस्तों, यदि HDFC बैंक और SBI में भारी गिरावट आ जाती है ना दोस्तों, तब भी बैंक निफ्टी अपने लेवल तोड़ेगा, लेकिन फिर भी दोस्तों जैसे ही डिप में जाएगा मार्केट, वैसे ही हल्का सा रिकवर जरूर कर लेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के साइडवेज होने की संभावनाएं 80% मेरे को लग रही हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों निफ्टी में काफ़ी अच्छा फिर से उछाल आ सकता है, वो देखने को मिलेगा अपन को दोस्तों मंडे के दिन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपसे टेक्निकली कुछ बातचीत कर लेता हूँ निफ्टी के बारे में दोस्तों। टेक्निकली मैं आपको बताऊं दोस्तों, टेक्निकली अगर मार्केट को ऊपर जाना है दोस्तों, तो यहाँ पे हल्का सा साइडवेज करके वो फिर से दोस्तों, मैं थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ तभी आपको जो है समझ में आ पाएगा। इसको मैं थोड़ा सा और इस तरीके से कर लेता हूँ ताकि मेरे को ऊपर कुछ रेंज बनाने मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों इसी तरह करके और फिर इस तरह ऊपर जा सकता है दोस्तों निफ्टी, और उस तरह से नीचे भी आ सकता है दोस्तों। आपको ये वाला यहाँ पे ये टाइप का पैटर्न आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो मैंने बनाया है दोस्तों। आप मार्केट के स्ट्रक्चर पे ज़रूर दोस्तों एक बार थिंकिंग कर लिया करें, अच्छे से सोच लिया करें मार्केट स्ट्रक्चर किस तरीके का बना सकता है। ठीक है दोस्तों, वो आपके अनुभव को इंगित करता है दोस्तों कि आपने कितना ट्रेड किया है, आपने चार्ट को किस तरीके से देखा है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो चीज़ें मैं दोस्तों आपको बताता हूँ, इनको आप थोड़ा सा दोस्तों दिमाग में रख लिया करें, लिख के रख लिया करें, क्योंकि वही होता है दोस्तों। आप मेरे प्रीवियस वीडियो दोस्तों उठा के देख लीजिए, मैं आपको जो बताता हूँ ना दोस्तों, उससे 2-4% ही इधर उधर होता है, बाकी 90% दोस्तों मेरा एनालिसिस करेक्ट ही होता है। आप अभी जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं दोस्तों, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं जो है एनालिसिस दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। कल मैं आपको वीडियो बनाऊंगा मिड कैप निफ्टी के बारे में, जिसका कि सोमवार को एक्सपायरी है, और दोस्तों मैं फिन निफ्टी के बारे में भी दो इंडेक्स कल मैं बनाऊंगा इसके बारे में वीडियो, जिनका मैं फंडामेंटली और टेक्निकली एनालिसिस करूंगा, वो भी सुपर एनालिसिस करूंगा आप लोगों के लिए दोस्तों, ताकि आप लोगों को लॉस ना लगे दोस्तों, आप लोग कम से कम 1-2 हज़ार रुपये पर डे का बना सकें शेयर मार्केट से ट्रेडिंग के दौरान। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।